सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है रेनॉल्ट ट्राइबर की माइलेज के रिलेटेड। लोग काफ़ी कहते हैं कि उनको माइलेज नहीं मिलता। लोग क्या करते हैं, MID रीसेट करके, ट्रिप रीसेट करके जो है 10-12 किलोमीटर चला करके दिखा देते हैं कि उनको 24 का माइलेज मिल रहा है, 20 का माइलेज मिल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल रहा है, और गाड़ी चली कितनी है ये भी देख लीजिए। एवरेज स्पीड है, ये ट्रिप भी है, रेंज 800 किलोमीटर, इंस्टेंट तो तब दिखाएगी जब गाड़ी चलेगी, और 269.4 किलोमीटर गाड़ी चली है, और उसमें गाड़ी ने कितना माइलेज दिया है, 10.7 लीटर का फ्यूल कंज्यूम किया है, और गाड़ी ने 25 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दिया है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो लोग रेनो ड्राइवर पहले से यूज़ करते हैं वो इस चीज़ को अच्छे से जानते होंगे कि ये चीज़ में कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता। आप यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी 269.4 किलोमीटर चल चुकी है, 6 घंटे और 45 मिनट्स लगा करके। जो एवरेज कंजप्शन है, यानी कि जो एवरेज है, जो माइलेज है, वो है 25 किलोमीटर पर लीटर की। जो एवरेज स्पीड रही है वो है 42 किलोमीटर पर आर। सो गाइस देख सकते हैं आप, लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जो उसकी ट्रिप आती है, ट्रिप आती है, यहाँ पे कुल 20 किलोमीटर चलाते हैं, और यहाँ पर जो माइलेज शो होती है वो शो हो जाती है कोई 20 की, 21 की, 22 की। तो छोटी छोटी जो ट्रिप्स हैं उसमें ये दिखाना तो बहुत ईजी है, बट देख सकते हैं 269.4 किलोमीटर हमने गाड़ी लगातार चलाई है, और उस लगातार में हमें 25 किलोमीटर पर लीटर का बता 25 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मिली है। अभी मैं आपको टैंक टू टैंक भी फुल करके बताऊंगा कि टैंक टू टैंक में कितना दिया है, और MID और टैंक में कितना एरर रहता है, MID में कितना एरर रहता है, दोनों में कितना डिफरेंस रहता है माइलेज का, वो भी मैं आपको अभी टाइम पे बताऊंगा। जस्ट थोड़ी देर बाद ही मैं फ्यूल फिल करूंगा गाड़ी में, टैंक फुल करूंगा, और टैंक पहले से फुल था, सो विल सी के कितना एरर रहता है MID में। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ही देना चाहिए, जितना 25 यहाँ पे शो कर रही है इससे ज़्यादा ही देना चाहिए गाड़ी को टैंक टू टैंक। तो गाइज इसमें कुछ कंडीशंस थी, ऐसा नहीं है कि मैं गाड़ी को 80 पे चलाऊँ 85 पे चलाऊँ और मुझे एवरेज मिले 25 का, ऐसा नहीं है गाइज। मैंने गाड़ी को मैक्सिमम चलाया है 70 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर, और बीच में कोई भी ब्रेक्स नहीं लिए हैं। हालांकि ब्रेक्स लिए हैं, लेकिन वो सिर्फ 2-2 मिनट के, 3-3 मिनट के ब्रेक्स लिए हैं, जिसमें गाड़ी भी ऑफ थी, और विदाउट AC है ये माइलेज। और सिर्फ 2 बंदे थे गाड़ी में। सो गाइज जो लोग कहते हैं कि उन्हें माइलेज नहीं मिल रहा, आई डोंट नो ऐसा क्यों है, ट्राई करिए गाड़ी को 2500 RPM, मैक्सिमम 3000 RPM तक चलाने में, इट विल गिव यू वेरी एक्सेलेंट माइलेज। सो लेट्स सी व्हाट माइलेज आर कार गिव्स अस आफ्टर फिलिंग द टैंक। ऊपर तक कर दो डालोगे। हाँ जी करना, आप भी सब्सक्राइब करना। कब आ जाएगा? आज ही आ जाएगा। रात को कितने बजे के बाद? बस अभी वही 7-8 बजे। तो फोटो भी आ जाएगी मेरी? लाऊं आपकी फोटो भी? बताओ। हाँ लगाओ फिर। ले आऊं? चलो जी। लगाओ। आ जाएगी? हाँ जान दो, आस्ता आस्ता बढ़ाते इसमें। धीरे धीरे जान दो, बढ़ाएगा। बोल लो। तो गाइज ये हमारे अंकल हैं लखनपुर वाले, पेट्रोल बहुत अच्छे अंकल हैं, काफ़ी अच्छे थे हैं, वो लेते रहे काफ़ी। गाइज 8 लीटर आ चुका है अब, तो देखते हैं गाड़ी माइलेज देती है, अभी भी आ रहा है। इसकी यही प्रॉब्लम है गाइज, बहुत आराम आराम से तेल जाता है इसमें, काफ़ी टाइम लगता है, तो ये काफ़ी अनोइंग चीज़ है। जाने दो जाने दो। जान तो आएगा, जान दो सस्ता, एक नंबर पे जाने का ना। अरे क्या एक नंबर पे लगाऊंगा ना, इसको साला थोड़ी नहीं स्लो बाहर आ जाते हैं, थोड़े थोड़े जा रहे। ये 4G है मशीन, मशीन का चक्कर ये हार्ड हो जाती है, जब इसको दबाएंगे नहीं तो हार्ड हो जाती है, हार्ड हो जाती है, फिर जोर से दबाना पड़ता है बाहर घुमा। बड़ा टाइम है, पेट्रोल पंप वैसे भी खाली है, पेट्रोल पंप का कोई चक्कर नहीं है।
कितने बजे आएगी? 7 बजे आएगी। 7 बजे तक आ जाएगी। तभी डाल दोगे आप है ना? हाँ, घर पे पहुँच के। तेरी पता है कि हार्ट बड़ी हार्ट होती फिर जोर ना दबाने बंदा बाहर मरे करी कौन सी वाली कमेटी का भी हिसाब है कमेटी का भी सो गाइस आप ये ड्रॉबैक देख सकते हैं ये रेनॉल्ट की गाड़ियों का ड्रॉबैक है कि तेल नहीं जाता अंदर ऑटो कट के बाद भी 10-15 लीटर तेल आ जाता है और वो भी बड़ी आराम आराम से 20 आधा घंटा लग जाता है भरने में। हो गई। तेल फुल हो गया है। 13 लीटर तेल आया है। 13 लीटर। सो गाइस अब टाइम है रिजल्ट्स का। हमारी गाड़ी जो टोटल किलोमीटर्स चली है वो है 320 और जो एक्चुअल एवरेज है दी है गाड़ी ने वो है 320 और जो हमारी टैंक में पेट्रोल आया था वो था 13.50 लीटर्स। सो गाइस हमारी गाड़ी ने एक्चुअल माइलेज दी है 23.70 किलोमीटर्स पर लीटर जो कि MID की माइलेज से कम है। गाइस ट्राइबर में ऐसा नहीं है जैसे बाकी गाड़ियों में MID की जो माइलेज होती है वो ज़्यादा दिखाती है और रियल लाइफ में वो कम देती है, लेकिन रेनो की गाड़ियों में जो है एक्चुअली ऐसा नहीं होता, उसमें उल्टा होता है। जो MID की एवरेज होती है उससे ज़्यादा हमेशा एक्चुअल एवरेज आती है और इसमें एक्चुअल एवरेज कम इसलिए आई है क्योंकि गाइस हमने गाड़ी में रास्ते में 1 घंटा AC ऑन रखा था और गाड़ी साइड पर खड़ी हुई थी सो इसलिए एवरेज कम आया है। लेकिन गाइस आप देख सकते हैं जब हम हाइपर माइलिंग करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और अगर आप ये भी माने कि हमारी गाड़ी अगर आप अपनी गाड़ी से MID में इतनी भी माइलेज निकलवाते हैं तो गाइस अगर आप फिर भी मान लीजिए कि ठीक है 3 किलोमीटर कम दे रही होगी, 2 किलोमीटर कम दे रही होगी, एटलीस्ट 20 से तो ऊपर दे रही है ना गाइज। सो गाइज आई थिंक इट इज़ वर्थ, जो माइलेज आई है वो वर्थ इट है। सो गाइज सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोस और हम बहुत ही जल्दी माइलेज रन करेंगे रियल लाइफ माइलेज, जैसे कि अभी मैं पूरा अच्छे से नहीं कर पाया था उसमें हम बहुत ही अच्छे से पूरा एकदम दिखा करके एक माइलेज टेस्ट करेंगे गाइज। सो सब्सक्राइब टू द चैनल।